देवगुरु, मंधार के विवाह के पुरोहित आप होंगे। अब आप ज्योतिष गणना के द्वारा मंधार के विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। देवराज, मैं तो अपनी पुत्री के विवाह का अधिकार आपको सौंप ही चुका हूं। तो ठीक है, कल पुष्य नक्षत्र की मंगल बेला पर आपकी पुत्री रूमा और मंधार का विवाह होगा। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। अच्छी तरह से देख लो, लगन मंडप में सब सामान पहुंच गया है कि नहीं। ये विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान, हे रुद्रा अवतार मारुति, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। आदेश कीजिए प्रभु, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवराज इंद्र, आज हम आपके पास रुद्र अवतार के अधिकार से नहीं, बल्कि अपने प्रभु श्री राम के कार्य हेतु आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना आपके लिए असंभव नहीं है, तो फिर आपको विनती करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देवराज, कभी कभी कुछ कार्य विनती और याचना से ही संभव होते हैं, शक्ति से नहीं। और हमें विश्वास है आज हम आपके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। पवन पुत्र, आप जिसके पास याचक बनकर जाएं, इस संसार में उससे अधिक सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं हो सकता। परंतु मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, आप जो भी मुझसे मांगने आए हैं वो मैं आपको नहीं दे सकूंगा। हाँ प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे रूमा का हाथ मांगने के लिए आए हैं। मैं आपसे रूमा का हाथ मांगने नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और सत्यता की रक्षा की याचना करने आया हूँ। आपसे विनती करने आया हूँ कि विधि के विधान में बाधक मत बनिए। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा पवन पुत्र। हमारा तात्पर्य ये है देवराज, कि आपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने वचन के द्वारा एक कन्या के पिता को उसके अधिकार से वंचित किया है। अपने पुत्र मोह में अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है। आपने सत्यता को झुठलाया है, जबकि सत्यता ये है कि रूमा सुग्रीव से प्रेम करती हैं। मन और आत्मा से उन्हें पति स्वीकार कर चुकी हैं। आप जो भी कहें पवन पुत्र, किंतु मुझे मेरे पिता धर्म से अड़िग नहीं कर सकते। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यदि आप चाहें तो रूमा को मेरी सहमति के बिना भी लेके जा सकते हैं। किंतु जब यह संसार आपसे पूछेगा कि आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग क्यों किया, तब आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? अपने पुत्र बाली के हित के लिए जो कर सकता हूं अवश्य करूंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। ठीक है देवराज,
अब जो भी भीषण गति होगी उसके उत्तरदायी केवल आप होंगे, क्योंकि विधाता के विधान को आप बदल नहीं पाएंगे, परंतु उनके मार्ग का कांटा बनकर दंड के अधिकारी अवश्य बनेंगे। क्या हो गया है रूमा को? 3 दिन हो गए हैं, ना स्वयं आई ना ही उसका कोई समाचार प्राप्त हुआ। कहीं किसी समस्या में तो नहीं फंस गई है वो? अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं उसका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? तुम सब यहाँ? रूमा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? रूमा अब कभी नहीं आएगी राजकुमार, उसका विवाह होने वाला है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो प्रेम मुझसे करती है और विवाह किसी और से कैसे कर सकती है? होगी उसकी कोई विवशता, किंतु इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। हमें क्षमा करें। ये कैसी विवशता है? अब मैं क्या करूं? रूमा, ये तुम क्या कहते जा रही हो? तुम मेरी हो रूमा, मात्र मेरी। हमें हमें गंधर्व लोग जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? कैसे जाऊंगा वहां? मारुति? हाँ हाँ, एक मारुति ही है जो हमारी सहायता कर सकता है। उसे तो समस्त लोगों में विचरण करने का वरदान प्राप्त है ना? हाँ, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यदि रूबा के पास कोई विवशता हो प्रभु, तो उसकी विवशता का समाधान करिएगा प्रभु, उसकी रक्षा करिए प्रभु, उसकी रक्षा करिए प्रभु। हे प्रभु, ये कैसी व्यवस्था है? ये किस दोराहे पर खड़ा कर दिया आपने? पिता का वचन पूरा करने के लिए ये दुल्हन का जोड़ा तो पहन लिया, परंतु उस वचन का क्या?
जो मैंने अपने हृदय को दिया है। बताइए प्रभु, क्या करूं? बताइए। आप इस प्रश्न का उत्तर पूछ रही हैं, वो महादेव तो स्वयं आपके पास हैं, आपके हृदय में बसे हैं। ये प्रश्न तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। किंतु मारुति, उस वचन का क्या जो पिताजी ने इंद्रदेव को दिया और मैंने स्वयं अपने आप को? ये तो आपका हृदय भी जानता है कि इंद्रदेव ने अधर्म पूर्वक आपके पिता से वचन लिया है। वो वचन अहंकार, मर्यादा और झूठे मान सम्मान के आधार पर खड़ा है, जबकि आपका वचन सच्चे प्रेम का प्रतीक है। किंतु मारुति, मेरा पुत्री धर्म, इसी धर्म की दुहाई देकर आपको विवश किया जा रहा है। इस संसार में सबसे बड़ा अधर्म है किसी स्त्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी और से करा देना। महादेव ने ऐसी विवाह व्यवस्था बनाई है कि स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपने हृदय की सुनती हैं और महादेव की बनाई विवाह व्यवस्था का मान रखती हैं। देवी, देवी, अब मुझे लग रहा है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। द्वारा छल से लिए गए पिता के वचनों को पूर्ण करती हैं। मैं तो अपनी पुत्री के विवाह का अधिकार आपको सौंप ही चुका हूँ। तो ठीक है। कल पुष्य नक्षत्र की मंगल बेला पर आपकी पुत्री रूमा और मंधार का विवाह। ये सत्य है कि वचन टूटने के कारण मैं संसार को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अब तुम्हें जो जित लगता है वो कर। रूमा, चलो, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है।
विधि का विधान कुछ भी हो, किंतु एक बार रूमा ये वरमाला मंधार के गले में डाल दे, बस मेरे पुत्र के जीवन का सारा संकट समाप्त हो जाएगा। वर के गले में वरमाला पहनाइए। स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। ये क्या कर रही है तुम्हारी पुत्री? तुम चुप क्यों हो अपनाश? रूमा को वरमाला डालने के लिए कहो। इंद्रदेव, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। और सुनेगी देवों की ये सभा। मैं गंधर्व राज, अपनाश की पुत्री रूमा, देवों की इस सभा में ये घोषणा करती हूँ कि मैं किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मंधार, चुपचाप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। हाँ देवराज, आप चिंता ना करें। काका, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना। मारुति, मैं पृथ्वी लोक में कैसे जाऊंगा? तुम्हारी तरह उड़ तो नहीं सकता मैं। शांत हो जाइए देवराज, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं गुरुदेव, कैसे शांत हो जाऊं?